और ये देखो, ये देखोगे ना तो ये देखो यहाँ से कट हुआ दिखाई देता है। बस हुंडई की वर्ना प्लेटी गाड़ी है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है, ये जब हम चलाते हैं तो पीछे से मतलब राइट लेफ्ट ऐसी घूमती रहती है और चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मिसबैलेंस होती है गाड़ी। तो इसमें हमें रियल एक्सल बीम जो होता है उसमें बूश लगे होते हैं, उसको चेक करना पड़ता है। वो बूश अगर कट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं तो ये ऐसी दिक्कत आती है। तो वो बूश है किस तरह चेक करते हैं और किस तरह उसको रिप्लेस करते हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये बूश चेक करने के लिए पीछे का जो व्हील है ना, वो इस तरह आपको घुमा के देखना है। ये देखो, ये पूरा मतलब व्हील हिलता है, तो नीचे इसके बूश होते हैं। तो अभी ये इसके व्हील वगैरह हैं, ये हम निकाल के देखते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कौन से बूश होते हैं और किस तरह रिप्लेस करते हैं। फिर एक बार दिखाता हूँ किस तरह हिलती है। ये देखो, ऐसे घुमाता हूँ ना तो बॉडी अलग घूमती है और व्हील अलग घूमता है। तो ये जब हम चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में, ऐसे ऐसी होती रहती है पीछे से। ठीक है, तो अभी ये व्हील वगैरह निकालता हूँ और बूश कौन सा है वो दिखाता हूँ। देखो, कार पीछे से लिफ्ट कर दी स्टैंड पे के ऊपर और दोनों इसके व्हील है वो निकाल दिए। और ये देखो, ये हमारी जो रियल एक्सल बीम है ना, इसका बूश होता है। और ये देखो, ये देखोगे ना तो ये देखो यहाँ से कट हुआ दिखाई देता है। और अभी थोड़ी गाड़ी हिला के देखोगे ना, मतलब ये एक्सल बीम हिला के देखो ना, ये पूरा है ना, ये एक्सल बीम है पूरा। हिला के देखोगे तो बूश हिलते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ी ताकत लगा के हिलाना पड़ता है तभी पता चलता है। ये देखो, तो अभी इसके लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा। सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर खोलना पड़ेगा दोनों साइड का, ठीक है। इसके बाद इसमें जो जो अटैचमेंट है, ये जैसे कि यह हमारा ब्रेक का पाइप है, ब्रेक ऑयल का, वो निकालना पड़ेगा। ABS का सेंसर निकालना पड़ेगा। इसके बाद ये हैंड ब्रेक की केबल है वो निकालनी पड़ेगी। उसके लिए ये लाइनर वगैरह, ये जो ड्रम है वो ओपन करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो नट है, बोल्ट है, ये निकाल देंगे तो एक्सल बीम है पूरी बाहर आ जाएगी। तो पूरी एक्सल बीम हम बाहर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी जो बूश है उसकी कंडीशन क्या है। अभी देखो, पूरी जो एक्सल बीम है वो हमने बाहर निकाल दी। ये देखो इस तरह होती है, ठीक है। तो अभी ये बूश देखोगे तो ये देखो, ये पूरा मतलब फ्री हो गया है, ऐसा फ्री नहीं होना चाहिए। और इधर से देखोगे तो पूरा बूश कट हो गया है। इस साइड का बूश की हालत भी ये देखो सेम है। ये देखो, इधर से कट है और ये फ्री हो गया है। इसके लिए हमारी जो कार है वो राइट लेफ्ट घूमती रहती थी। तो अभी ये बदलने से पहले क्या करना है, ये देखो ये बूश है, इसमें कट है। कुछ बूश में नहीं होता, लेकिन बहुत सी बूश में जिसमें कट है उधर आपको एक मार्किंग करके लेनी है बॉडी पे। ये देखो, यहाँ पे कर दी मैंने, ठीक है। और इस साइड भी देखो, ये कट है, यहाँ पे मार्किंग कर दी, ठीक है। हम जो बूश बदलने वाले हैं उसमें भी कट रहेगा, तो वो सेम टू सेम हमें वैसा ही रखना है। ये देखो, ये बूश देखो, इसमें कट है। ये अभी हाइड्रोलिक पे हमें जाना पड़ेगा, हाइड्रोलिक प्रेस पे ये बदले जाते हैं। तो उनको बोलना है ये जो कट है ये हमने मार्क किए है उसके सामने रखना है। देखो, ये नया बूश है और इसकी कंडीशन देखो, एकदम पूरा जाम होता है और किधर से कट वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये हुंडई का जेन्युइन पार्ट है। तो ये हमने मंगाया बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, कि जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली जितने भी पार्ट है वो 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाएंगे। और डिलीवरी हो जाने के बाद भी आपको वो पार्ट नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर आप रिटर्न करके आपका रिफंड भी ले सकते हो। तो बुडमो ऐप काफ़ी कमाल का ऐप है और 150 स्पेयर पार्ट इस पर आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट पर, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो, टर्नर के पास भेज के जो बूश थे वो एकदम प्रॉपरली प्रेस करके लेके आए हम। ये देखो दोनों तरफ के। और ये जो खाँच है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग कैसे भी लगा देते हैं और बूश टिकते नहीं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बूश मार के सक्सेस नहीं होता, यही कारण होता है। प्रॉपरली मतलब जो मार्किंग है वैसा ही, मतलब ओरिजिनल है वैसा ही आपको बूश लगाना होता है, मार्किंग टू मार्किंग, तो एकदम प्रॉपरली हो जाता है। और जितना चलता है उतना, मतलब आपका नया जो बूश है कंपनी का जो चलता है उतना ही ये भी चलेगा, ठीक है। एकदम प्रॉपरली हो गया ये देखो। और ये जो स्लीव वगैरह देखो, पहला पूरा निकल गया था, बूश कट हो गया था, लेकिन ये देखो एकदम प्रॉपरली है, ठीक है। ये इस साइड का भी देखो, एकदम प्रॉपर हो गया है, मतलब जैसा हमारा ओरिजिनल होता है वैसा ही हो गया पूरा काम। और बूश भी हमारे ओरिजिनल है, तो बूश अच्छे कंपनी के या फिर ओरिजिनल यूज़ करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो अभी क्या है, ये पूरा है जैसे हमने निकाला था गाड़ी से,
वो सब फिटिंग करके लेना है, तो वो सारा फिटिंग करके लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दो लोगों की ज़रूरत रहती है उठा के इसमें ये जो बोल्ट वगैरह है वो लगाने के लिए वगैरह, ये हम फिटिंग करके लेते हैं। और फिटिंग करने के बाद देखते हैं जो पहले प्ले था वो अभी है या नहीं है। देखो सारा फिटिंग कर दिया, और पहले आपने देखा था हमने टायर जैसे हिला देते तो पूरा टायर वगैरह हिलता था, अब देखो अब ज़रा भी नहीं हिल रहा है, एकदम प्रॉपर है। देखो दोनों व्हील अभी जैक पे है, फिर भी मतलब ज़रा भी नहीं हिल रहा, हिलाता हूँ तो बॉडी के साथ हिल रहा है, मतलब अब जो हमारा जो काम है बुश का वो एकदम प्रॉपरली हो गया है। और इसी तरह जो बुश है वो ख़राब हो जाते हैं तो हमारी गाड़ी मिसबैलेंसिंग हो जाती है बहुत सी बार, और टर्निंग में वगैरह बहुत ज़्यादा मिसबैलेंस हो जाती है। तो समझ जाना है कि जो हमारे पीछे के बुश है वो ख़राब हो गए हैं और आपको चेंज करने पड़ेंगे, या फिर सिर्फ आप इंस्पेक्ट करके मतलब सिर्फ देख के भी पता कर सकते हो कि आपके बुश अच्छे हैं या ख़राब हो गए हैं। जाग भी हटा दिया और विदाउट जाग भी अभी देखते हैं एक बार टायर हिलते हैं क्या। ये देखो एकदम प्रॉपरली ज़रा भी टायर, ये देखो पूरी ताकत लगा के मैं हिला रहा हूँ फिर भी टायर हमारा हिल नहीं रहा है, मतलब हमारा जो काम है एकदम प्रॉपरली हो गया है। इस तरह जो रियल एक्सल बीम होती है उसके बुश है वो चेंज करने पड़ते हैं, और आपको गाड़ी चलाते ही पता चलता है कि मिसबैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर आप टायर हिलाते हो तो भी पता चलता है। ये जब बुझ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट है इसको बदलना, क्योंकि बहुत मतलब काम की चीज़ है ये, और अगर ख़राब हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्पीड पे वगैरह गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा मिसबैलेंस हो जाती है और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए आप भी ये जो बुश है चेक करो, और अगर ज़रूरत है तो रिप्लेस कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपने हो अपने हमारे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।